बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं हाज़िर होता रहता हूँ। मैं अभी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी आपको पता है, मेरे पेज का नाम भी पता है, तिब्बे नबी मतलब ये है कि ये सिर्फ जिस्मानी बीमारियों के हवाले से नहीं है, रूहानी बीमारियाँ, मेंटल डिजीज़ यानी जहनी बीमारियाँ और हमारी कल्बी बीमारियाँ, यानी इंसान से जिन बीमारियों का ताल्लुक है, ये हर उस बीमारी के मुतालिक इंशाल्लाह मैं इसमें आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और कमेंट्स अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, हम जब बीमार होते हैं तो हमें फ़िक्र लाहक हो जाती है कि मैं मर ना जाऊँ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, हकीम के पास टोटके लगाना, ये कर वो कर, क्यों? हमें अपनी जान की फ़िक्र है। लेकिन बीइंग ह्यूमन और बीइंग मुस्लिम्स, हमें ये भी थोड़ा सा फ़िक्र होनी चाहिए कि यार कहीं मेरी रूह बीमार तो नहीं है, मुझे अपनी ईमान की फ़िक्र भी होनी चाहिए। जान की फ़िक्र भी ठीक है, ईमान की फ़िक्र भी होनी चाहिए। तो ईमान की फ़िक्र के लिए रूहानी बीमारियों की खबर होनी चाहिए। झूठ है, गिब्बत है, चुगली है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, शुमातत है। अब हमें तो बस बीमारियों के नाम ही नहीं आते ना, वो उनकी सज़ा क्या है, उनका इलाज क्या है, ये तो बड़ी दूर की बातें हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी एक जिस तरह बीमारियों के मुतालिक सीरीज़ चलाई है, इंशाल्लाह मैं ये रूहानी बीमारियों के मुतालिक सीरीज़ चलाऊँगा, जिससे इंशाल्लाह तबीयत में निखार आएगा, सुकून आएगा। पूरी दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं सुकून के लिए करते हैं, तो याद रखें जिस्मानी सेहत सुकून की वजह नहीं बनती है, रूहानी सेहत सुकून की वजह बनती है। तो मैंने चंद बीमारियों का नाम लिया, इंशाल्लाह मैं जितनी भी बीमारियाँ होंगी सब के मुतालिक मुकम्मल एक बीमारी पे एक टॉपिक लेकर के आया करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आप जहाँ भी रहेंगे उससे फ़ायदा उठाएंगे। मेरी पूरी नीयत है कि आप लोगों से मैं दुआ लेता रहूँगा। तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इन टॉपिक्स पे क्लिप बना करके एक एक चीज़ पे एक एक क्लिप इंशाल्लाह मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।